अस्सलाम वालेकुम वर्तन यूट्यूब चैनल मलिक मुबशर बाइक ऑटो मैकेनिक। अज की साड़ी वीडियो का टॉपिक ये है कि एयर फ्यूल टैंक इंजन की तो मुकम्मल लिखे सूँ और किक की टाइमिंग के बारे तो दसे सूँ किक की टाइमिंग कितना रखनी होंगी है। सब सारे चैनल को तुसा लाइक तो सब्सक्राइब जरूर कर दिन सो वीडियो को मुकम्मल देख सो। तो इमें गेयर दिन पिना पैदा पे जैसे शाफट लगसी शाफट को सपोर्ट करें दिन तो जैसे नाल ये गेयर अस लें ये शाफट पवती भी है। शाफट को फिट कराने के बाद तो जैसे स्टम गेयर लें छोटा स्प्रिंग लेने पे ही दे उते ही बड़ा गेयर का सिस्टम होंगे। जैसे तुसा या कदम लत नाल जोर लेंदे वे या ये कितने इन चीज़ का एहतियात किया करो क्योंकि ये बड़े नाजुक चीज़ा होंगे बिल्कुल ही तो नॉर्मल स्प्रिंग है ये त्रुटाने देर नहीं करेंगे जिस टाइम त्रुटा ही खातर सारा जितनी इंजन खुलिया पे इतनी इंजन खोल सकते इन चीज़ का एहतियात किया करो। गाड़ी को गेयर आराम ना ले करो आराम ना कट्ठे करो। तो ये मैं पत्री लेना पे इन बाद स्टार पत्री ले सूँ उत्ते उन्दे नाल लगसी वाला शिफ्टर पत्री जेरी मिसाल इन्हें को रुकावट करे से ये स्टार पत्री लगती भी है ये मैं फिट कर करें शिफ्टर पत्री लैसूँ उन्दे नाल एक छोटा स्प्रिंग भी होंगे जरा उसको वापसी ये करें जल्द अस गेयर लेने जो ये स्प्रिंग छिकाई करें बल वो स्प्रिंग अगते तद दें। मैं स्टार पत्री फिट कराना पे इन बोल्ट ला के ना ये मैं हूँ शिफ्टर पत्री चाहती है थोड़े पे कि शिफ्टर पत्री को मैं फिटिंग कराना पे इन फंक्शन यो ही होने कि जल्द गेयर लगते हैं ये लिवर्स ये वाला जल्द थी ये सपोर्ट दे दें यानी पिछते नहीं थी मान लेंगी गेयर को ये शिफ्टर पत्री लग गई है। इन्हें मुकाबले में बिल्कुल फुल टाइट कर करें तो हूँ मैं बदे केक की टाइमिंग वीडियो को यार तुसा मुकम्मल लिखा करो एंड तक देखो सानल तामन करो क्योंकि सब्सक्राइबर करो चैनल को और उन्हें बाद वीडियो को मुकम्मल लिखो ताकि सारा वॉच टाइम पूरा थी वे मुकम्मल थी वे एक एक की टाइमिंग तो लिखा था अगर केक टाइमिंग दू तो डंदे के बराबर अगर डंदा ना हो सी तो वल केक जी है तो वही तले खड़सी वो जिम्मे अस केक स्टार्ट कर करें केक मरेंदे हैं गाड़ी को स्टार्ट कराने जल्द स्टार्ट थी खड़ी रही केक को जोर लेंदे हैं तो घर घर कराई है ये भी उवें ही आवाज़ करें सी अगर केक की टाइमिंग आउट हो सी गाड़ी स्टार्ट हो सी लेकिन बिच कर आवाज़ हो सी शुरू हो सी ये चीज़ ना हो सी अगर ये टाइमिंग जरिए आउट हो सी जिमें मैं शाफट फरे ना पे फरी ना फिर सी जिसे पे थोड़ी जी मैं फलास ना फिरी ये जाम थी पे रुकती पी है इतने ही आगे सारी केक काम कराई है थोड़ा जहाँ तो वैसे ही असं जिम्मे केक को तले कराने हैं वह ताी तो इंदी ये होंगी है पकड़ केक तले वन कराई है मुँह निशान के बराबर इन्हें दे शाफट दो एक टिका होंगे एक टिका केक जो टाइमिंग निशान है एक टिका होंगे होंगे उन्हें को हमें सामने रखना होंगे। मैं ये लाख ला दी है क्योंकि इन्हें उत्तर लाख होंगी है बाद में एक चीज़ तो भी दस देव कि जिमें शाफट को कुछ सट मरें या कशे करें ना ये काम बिल्कुल नहीं करना होंगे क्योंकि ये सिर्फ सारा सिस्टम एक लाख के उत्ते ही खड़ा रहा है। अगर याद ही शाफट को सट लगी या कशे लगा तलो स्प्रिंग है स्प्रिंग अपनी परेशान रही थी लाख निकले हो सी लाख निकलने के नाल स्प्रिंग निकल सकते काफ़ी सारा नुकसान थी सकते पार्ट का ये चीज़ का खास तौर पर ख्याल किया करो। कोई भी मकैनिक अगर केक की सील पैदन या केक को लेंदन उन्हें उत्तर जबरदस्ती ठुकेंदे को कशे कराने उन्हें नाल एहतियात किया करें क्योंकि लाका निकल ही सकते हैं। असा एक क्लच बक्से वाली गरारी फिट कराना पे और गरारी दी लाक ला दी है हूँ क्लच बक्से वाली गोटी फिट कराई सूँ गोटी के बाद बल अस क्लच बक्से को फिट कराई सूँ क्लच प्लेटा क्लच बक्सा यानी कि जरा को क्लच का काम कराएंगे मैं इनका बोर्श चेक कराना पे लेकिन बोर्श बिल्कुल सेट खड़े थे क्लच प्लेटा भी इन सेट आ ये वाचल होंगी है याद रखे कि एक वाचल पहले जी होंगी है वो तलो रखनी होंगी है डंडे आने वो नट के बेचपे वाला होंगे आउट वाचल उन्हें उत्ते बकायदा लिखा प्यारा ने कि आउट वाचल जंपर वाचल
वह लाजमी रखनी होंगी है। वह सारा किस स्पोर्ट होंगी नट जल्दी ढिला नहीं थी बक्से का। अगर बक्से का नट ढिला थी वे खोल वे वक्त और क्लच काम ना करे और ये बक्सा पार्ट के बन के टिकने टाइट कर दीते क्योंकि मेरे के ब्याह को बंदा करना ही मेरे खतर में थोड़ा वीडियो को स्टॉप कर रही थी। असर नट को पहले टाइट कर रखी थे वाल वीडियो को चालू कर रही थी। हूँ मैं उत्तों वाली प्लेट लेना पिया ये उनके काबले हैं काबलें को अस फुल टाइप कर लेके खोल ना सके क्योंकि इंजन के काबले होंगे इन्हें को अच्छे तरीके टाइट करना होंगे। ये एल पंप की जाली सीखे अगर एल पंप की जाली को जितना भी इंजन खोलो कोई भी पार्ट जेली खोलो जाली को काट के लाजमी साफ किया करो क्योंकि जेरा एल का कचरा होंगे वो जाली ते आवेंगे। और भाई जाली का सिस्टम ये कि जल्द असा मोबाइल कटेंदे हैं वाले जरा कचरा है ये नट दे अगो क्योंकि जाली तो होंगी बंद वाल मोबाइल नट कने स्लो निकल दे ये चीज़ का एहतियात किया करो। ये मैं बैरिंग दिखेना पाया कि बैरिंग क्लच वाला बैरिंग खत्म थी चुके इन फंक्शन कर रहे होंगे जल्द असा क्लच को घुटेंदे हैं ना ये जल्द प्ले थी वही क्लच को जिम्मे असा खड़ी हुई गाड़ी तो इवें घुटेंदे हैं वाल आवाज़ करें गुर गुर ये बैरिंग की ही वजह होंगी है तो अपने वाजे तरीके आसान लफ्जों दसना बैठा कि इवें इवें बिल्कुल तरसले ना भी ये चीज़ का सिस्टम होने गेर गारियां चेंज किए नहीं असल मेन वजह यही है कि त्रीजे गेर जो गारियां वो आवाज़ कर गया वाले ये गेर कैचर ये भी असर मुकम्मल नमा पा दिए क्योंकि इन भी फॉल्ट है और इन्हें जरा गेयर फिंगर देते पे तो जो गेयर खड़ते हैं ये फिंगर ये खत्म थी चुके हैं ये भी असा मुकम्मल ड्रम पूरा खेल कर नवा पा मैं बैरिंग खातर भेजिए बैरिंग जितने होंगे मैं एक वक्त तो ये दिखा देना कि क्या क्या चीज़ इन पाती बैठे है चिड़िया मेरी कहना पा चिड़िया सही है केम भी बिल्कुल शर्ट पई है तई केम भी ठीक है एल पंप तो मैं दसना पा ये चीज़ के मोबाइल एडाओ दाखिल थे एल पंप ने ये बेच लाइन देते पे हिंद के क्रॉस थे ये गोटी है गोटी के सुराख के बचों निकल कर बैरिंग उत्ते वेंदे बैरिंग जारी गोटी खड़ी रही है ये छोटी गोटी इथाओ लंघते इथाओ लंघ कर सीधा कनेक्ट रॉड से इथाओ ही मोबाइल वेंदे अगर तुम सोचो निकली थी जाली कचरा गए या कशे थी गए तो सारा एल पंप काम करेंदा पा हो सी लेकिन तुम्हारी गाड़ी बार बार सीज मरे सी पिस्टन दूध मोबाइल ना वे सी गाड़ी सीज थी वे सी बाजूकात मकैनिक को ये चीज़ की समझ क्या नहीं होनी इन चीज़ा लाजमी एहतियात किया करें क्योंकि इन गोटी को लाजमी साफ किया करें। एल पंप उतर वो चेक करे सन क्योंकि एल पंप से तल में टैबलेट कवर खोल कर एल पंप काम करेंदा पा हो सी लेकिन उनकी वजह यह है कि अगर क्रेंक कर सुराख बंद हो सी तो क्रेंक के मोबाइल ना पे सी जरा सिलेंडर की स्लीप के वेंदे और रिंगे के वेंदे उनकी वजह कड़े बार बार पिस्टन सीज थी रहे पे और थोड़ी ये समझ ना हो कि क्यों पे सीज थे ये यहाँ ही वजह होनी है ये बैरिंग जब सीना काटी वन क्योंकि तो सीना अगर लगे पे हमें तो सही मैंने मोबाइल नहीं बन सकता असर सीना काट की दिन ये ओपन रहे वे सी तो मोबाइल भी चल सी खड़ा और बैरिंग सेट रहे माशाल्लाह सारा इंजन तैयार थी चुके थे जैन फिटिंग जैन फिट कर पार्ट ला रहे अपने वाल होने बाद हेड सिलेंडर को फिट करें वीडियो को मुकम्मल दिखाए चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कराए और वीडियो को पूरा दिखाए ताकि सादा वाश टाइम भी मुकम्मल थी वे बड़ा शुक्रिया उसी सब भी वर्दा दोस्तें ना।
ਇਹ ਮੈਂ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇੰਜਨ ਕਲੀਅਰ ਥੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। काबले इन असं टाइट कर दी असू काबले टाइट कर कड़े वाल इंजन ओके उसी वाल असं फिटिंग करे सू हेड सिलेंडर की फिटिंग काबले को मैं मिले ना पे इन्हें को मिला कड़े वाल असं टोटली ये सत काबले उन्होंने पार्ट दे mm